संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में 22 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के विरोध में डॉक्टर भी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की, जिस पर सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे एसपी आकाश तोमर ने डॉक्टरों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी को कुशलता पूर्वक करें, नेतागिरी नहीं। मिली है जिला अस्पताल में एक व्यक्ति का इलाज के लिए परिजन लाए थे, यहाँ पर आने पर जानकारी मिली उसके विद्युत करंट लगा हुआ था, मौके पर आने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिला अस्पताल के स्टाफ द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। परिजन उसको आगे इलाज के लिए ले जाना चाहते थे, जिसके लिए एम्बुलेंस की मांग कर रहे थे, जिस पर जिला अस्पताल स्टाफ द्वारा बताया गया कि मृत व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की नहीं है। इस बात पर कुछ आपस में गलतफहमी की कारण वाद विवाद हो गया था और इस वाद विवाद में अस्पताल के स्टाफ के साथ मृतक के परिजनों द्वारा अभद्रता की गई। इस संबंध में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिला अस्पताल के स्टाफ द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर धरने दे रहे थे कई 4 घंटे से, ना कोई अभी अभियोग पंजीकृत हुआ है ना ही किसी। सर 4-5 घंटे बंद था इमरजेंसी, अभी संबंध में सीएमओ और सीएमएस महोदय ने लाठीचार्ज भी हुई सर। बता दें कि बखेरा थाना क्षेत्र के संतोषपुर गांव के रहने वाले युवक विशाल सिंह करंट की चपेट में आ गया था, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते विशाल की जान गई। बहरहाल पुलिस तह तक जाकर मामले की जांच कर रही है। संत कबीर नगर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।